जब मनुष्य चलता है तो बड़ी बाधाएं माया रख देती सामने, तहां तहां सुर कर बैठे धान थाना, देवता लोग भी बाधा देते हैं कि हमसे आगे जा रहा है पकड़ो। हमारे बाबा कहते थे, एक बड़ी सुंदर बात याद आती है कि सुरसा और हनुमान की लड़ाई का मतलब क्या हुआ, जितना लंबा शरीर हनुमान बढ़ाते थे उससे दुगुना सुरसा बढ़ा देती थी। एक योजन चार कोस का बनाया तो 8 कोस की बन जाती थी और बढ़ते बढ़ते 16 योजन 64 कोस का शरीर बढ़ाया, यानी लगभग 200 किलोमीटर का। तुरंत 16 योजन मुख जब भयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, तो 32 योजन के बन गए, 400-500 किलोमीटर का शरीर। हनुमान जी ने कहा कि देखा कि ये तो हम 500 योजन बनाएंगे तो 1000 योजन बनाएगी, ये भी तो शक्ति है माया वाली है, तो झट तू छोटे से बन करके जल्दी से मच्छर बन करके जो बाहर आ गए। बोले तेरा नियम तो पूरा हो गया देख ले। बोले हाँ हनुमान, तुम लंका को जीत लोगे, हम तुम्हारी परीक्षा के लिए आई थी, तुम्हारी कैसी बुद्धि है। बड़ी बुद्धि चाहिए माया से दांव पेच, माया के दांव पेच में लड़ने के लिए। अरे शिव चतुराना ने देख ही डराही, ब्रह्मा शंकर भी डरते हैं, तो बताते थे कि इसी तरह से जब मनुष्य साधु बनता है तो 100 रुपए भेजती माया, उसको छोड़ दिया तो 500 भेजती है, अच्छा 500 बच गया बेटा तो 1000 भेज देती है, 1000 भेज दिया तो अब 50000 भेज देगी, अब की कैसे नहीं फंसेगा तू, 50000 भी छोड़ दिया तो 1 लाख बन जाएगी, फिर करोड़ बन जाएगी, 10 करोड़ बन जाएगी, फिर राज्य पद साम्राज्य पद इंद्र पद कहां कहां तक, अब नहीं फंसा तो अब फंसेगा। ये माया के खेल है। कबीर को भी मोहित करने के लिए अफसर आई थी, अरे भाई जो छोटे मोटे आदमी हैं वो तो 85 रुपया, हम लोगों के लिए 85 रुपया बहुत है, दक्षिणा 50 रुपए तो तोड़ के जाएंगे, 50 रुपये काफी है। और काम आदि विकार है तो वो कैसी भी कानी लूली लंगड़ी हगनी पत्नी कोई भी हो गिरा देगी, और कबीर को गिराना है तो वो साधारण स्थिति थोड़ी आएगी, अफसर आई। कृपा करो राधा रानी कृपा करो।